हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम ऑफ्लॉक्सा ओजेड के बारे में बात करेंगे, जानेंगे ये जो मेडिसिन है ये हम पेशेंट को किस कंडीशन में देते हैं, किस एज के पेशेंट को दी जाती है। सो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। इसको जानने से पहले थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ओफ्लॉक्स ओजेड मीन्स ओफ्लॉक्सासिन एंड ऑर्डिनाजोल। सो ये क्या हमारी एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है? किस फॉर्म में है? ये सीरप फॉर्म में है। ये किस कंडीशन में है? बच्चे में अगर क्या इन्फेक्शन देखने को मिलता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, उसको किस तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, उसके दांतों में इन्फेक्शन हो गया या SGIT में है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, या फिर उसका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, इस तरह के इन्फेक्शन में क्या है ये बच्चों को दी जाती है। पेशाब में बच्चे को बहुत ज़्यादा जलन होती है, उसको पेन होता है, तो इस कंडीशन में ये क्या है हम सिरप बच्चे को देते हैं। अब बात करते हैं इसका इन्फेक्शन में यूजेस, मींस पैरासिटिक इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड एंटीबायोटिक्स मेडिसिन। तो पैरासिटिक इन्फेक्शन में क्या होता है, जो फूड जो होता है बच्चों के डाइजेशन सिस्टम में जब प्रॉपर वर्क नहीं करता और वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में क्या हमारा पैरासिटिक इन्फेक्शन देखने को मिलता है। बच्चे को क्या है वॉमिटिंग होती है, लूज मोशन होते हैं। सो इस कंडीशन में क्या हम बच्चे को ये सिरप देते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके डोज की, तो इसका डोज का क्या रहता है। डोज जो है हमेशा डिपेंड करती है कंडीशन पर, जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है या इन्फेक्शन है वो कितना ज़्यादा है, मीन्स माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, तो डोज इसके ऊपर डिपेंड रहती है। अगर हम बात करें इसकी नॉर्मल डोज की, तो इसको क्या है दिन में 3 से 4 बार इसको बच्चे को हम दे सकते हैं, पर ध्यान रहे इसको पूरा मेज़र करके ही दें, जो मेज़र कप जो है इसके साथ में उससे मेज़र करके ही बच्चे को देनी चाहिए। इसको देते समय अगर ये इसकी डोज गिर जाती है या प्रॉपर बच्चा नहीं ले पाता है तो दोबारा उसको दे सकते हैं। डोज़ है वो हमारा ओरल रूट से दी जाती है, देन बच्चे को क्या खाने के बाद हम दे सकते हैं। अगर ये देने के बाद कोई भी प्रॉब्लम होती है बच्चे को, तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। देन विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से कोई भी मेडिसिन आपको सेल्फ मेडिकेशन या किसी भी तरह के वीडियोस देख करके कोई भी मेडिसिन आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सो ये मेडिसिन क्या करती है, जो बैक्टीरिया जो हो रहा है, जो बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं उसको क्या है किल कर देती है या उसकी ग्रोथ को कम कर देती है, जिससे क्या है धीरे धीरे काफ़ी रिलीफ देखने को मिलता है। देन इसका काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं ये जो सीरप फॉर्म में होती है जो बच्चों को दी जाती है। एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी मेडिसिन खुद ले रहे हैं या बच्चे को दे रहे हैं, अगर उसको लेने के बाद आपको आराम मिलता है तो उस मेडिसिन को आपको रोकना नहीं है, अपने डॉक्टर से के पास जाके एक बार विजिट करना है, उनको बताना है आपको कितना रिलीफ हुआ है, देन अपने डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग आप इस मेडिसिन को लेना बंद कीजिएगा। खुद से ना ही लेनी है ना ही इसको बंद करनी है, डॉक्टर के अनुसार ही लेनी है। जब तक डॉक्टर इसको लेना बताते हैं तब तक आपको ये ड्रॉप क्या है या ये ड्रॉप या सिरप आपको लेना है। काफ़ी बार क्या होता है कि जब बेनिफिट होने लगता है, मीन्स फ़ायदा होने लगता है, पेशेंट सही होने लगता है, देन अगर उसको बीच में ही हम क्या है उसको छोड़ देते हैं लेना, देन पूरा कोर्स नहीं करते अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, तो इन्फेक्शन क्या है दोबारा होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो विदाउट डॉक्टर के सजेशन से आपको ये मेडिसिन का कोर्स करना बंद नहीं करना है, एक बार डॉक्टर के पास जाके विजिट जरूर करना है। अगर हम इनके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं बच्चों में अलग अलग, जैसे वेट लॉस हो सकता है, इसको लेने के बाद में नोज़िया वॉमिटिंग हो सकता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर देखने को मिलती हैं या एलर्जी हो सकती है तो अपने डॉक्टर के पास एक बार जाकर कंसल्ट कीजिएगा। गाइस, ये मेडिसिन आपको बहुत ही केयरफुली लेनी है, विदाउट डॉक्टर के सजेशन से बिल्कुल नहीं लें। अब इसकी बात करते हैं MRP की, तो ये जो मेडिसिन है आपको वो 40 से 50 रुपीज़ में किसी भी फार्मासिस्ट या मेडिकल पर मिल जाती है। देन दूसरा चीज़ क्या है, सब अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसकी मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट जरूर देख लीजिएगा। सो गाइस, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।